जय महाकाल, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो डिश होगी वो होगी मथुरा वालों की स्पेशल टिक्की, वो भी हरिद्वार में। आप एक बार झलक डालिए टिक्की की तरफ, कितनी प्यारी प्यारी सी टिक्की लग रही है। ऐसे लग रहे हैं जैसे मुंबई के बड़े पाव। थोड़ी देख के फीलिंग ऐसी आ रही है, तो मतलब जैसे देख के फीलिंग वैसी आ रही है। तो खाके मैं कह रहा हूँ आदर्श वाले की टिक्की खाई आपने, लेकिन मथुरा की टिक्की वो भी हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ भाई साहब मजा जाएगा। एक तो टिक्की ऊपर से देसी घी में, मुंह में से लाल अभी से टपकने लगी है। एक तो भूख बढ़ती गई, जैसे भैया ने बताया ना देसी घी की टिक्की है। एक तो टिक्की मेरी फेवरेट है, ऊपर से भैया ने बताया देसी घी, तो भाई जब टूट पड़ो खाने पे। तो आइए चले हम अपनी प्लेट लगवाते हैं। तो गाइस एक बार आप भीड़ की तरफ नजर डालिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लजीजदार टिक्की होगी। तो आइए चलिए हम अपनी टिक्की लेते हैं और खाके मस्त झकास वाला एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाते हैं। आइए हमारे साथ। तो गाइस ये हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी टिक्की दवाई जा दवा के अब इसमें देसी घी में डाल रहे हैं। एंड भैया इसका प्राइस कितना है? प्राइस 30 रुपए, और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। मात्र 30 रुपए में देसी घी की टिक्की। मुझे तो लगता नहीं कि पूरे हरिद्वार में के आसपास के एरिया में भी देसी घी की टिक्की और वो मात्र 30 रुपए में कहीं मिलती होगी। आप देख सकते हैं एंड गाइस इनके पास जो टिक्की मिलती है, मतलब यानी कि सजा वजा के बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। एंड जो टेस्ट है वो कहते हैं कि 125 सालों से चलता हुआ आ रहा है। और जो लोग बाग एक बार इनकी टिक्की खाते हैं तो वो इन्हीं के ही दीवाने हो जाते हैं, इनकी टिक्की के। मथुरा वासी है ना, तो हर किसी को अपना दीवाना कर लेते हैं, क्यों वो सही का। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे गोल्डन टच आ गया है टिक्की पे। भैया हमारी टिक्की जल्दी लगाओ, बस भूख के मारे तड़प रहे हैं हम। भैया आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लजीजदार लग रही है। हाँ जी हाँ जी, भैया कह रहे हैं जितने क्रिस्पी होगा ना उतना ही बहुत ही ज्यादा लाजवाब टेस्ट आएगा। जैसे कि हमें पता लगा कि 125 साल पुरानी शॉप है ये आपकी, तो टिक्की को कितने साल हो गए हैं? टिक्की भी है साथ में ही है भैया जी, ये दुकान साथ में ही है सारे। 125 साल आपको जी टिक्की जी को भी हो गए हैं जी जी। तो कौन सी पीढ़ी है भैया आप? तीसरी पीढ़ी है भैया, तीसरी पीढ़ी है जी। तो ऐसे आपके हाथों में ऐसे क्या जादू है जो लोग बाग मथुरा तो मथुरा, आपने हरिद्वार वालों को भी अपना दीवाना बना लिया टिक्की के मामलों में? ऐसा होता भैया, ये जो भी है ना ये चटनी है हरी वाली और ये लाल वाली, हाँ जी ये अपनी खुद हाथ की बनाई हुई होती है जी। तो लाल वाली चटनी में क्या क्या मिक्स है? इसमें सौंठ डालते हैं हम जी, अमचूर डालते हैं जी, गुड़ डालते हैं इसमें, गुड़ जी, थोड़ी चीनी डालते हैं इसमें जी। और हरी वाली में? हरी वाली में अमचूर है, हाँ जलजीरा मसाला लगाते हैं इसमें, हींग का पानी लगाते हैं भैया जी। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल प्योर है, ऐसा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट करने वाली। हमारी प्लेट लग रही है, आगे दही, ये आगे इनकी ग्रीन चटनी एंड ये आगे रेड चटनी, ये जलजीरा मसाला, ये जीरा मसाला, ये जीरा मसाला जो कि 125 सालों से चलता हुआ आ रहा है जी जी। एंड जिनकी रेसिपी मजा आ जाएगा एक बार में, पक्की बात, पक्की बात है, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो तो हम भैया की बात मान लेते हैं, भैया कह रहे हैं कि एक बार खाते ही मजा आ जाएगा। एंड रेसिपी भी इनकी बहुत ही सिंपल है, यानी कि बहुत से जगह आलू मटर सब चीज डालती है, टिक्की है और चटनी से सजा दी, यही सिंपल सी रेसिपी है। लेकिन जो इनका टेस्ट है वो 125 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आपकी टिक्की खानी है तो आप किसी बच्चे बच्चे से पूछ सकते हैं कि हमें मथुरा वाले मथुरा टिक्की वालों के यहाँ पे जाना है, तो बच्चा बच्चा आपको यहाँ पे छोड़ देगा जी। बहुत सही का जी जी। तो हाँ जी मालिक, आ गई हमारी टिक्की, आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी है, फुल ओरिजिनल देसी घी में तर करी हुई है, जो सेकी हुई है, फ्राई करी हुई है। तो भैया का कहना है कि इनकी एक बार टिक्की खा लोगे ना तो मजा आ जाएगा। एंड जो हमने कस्टमर से जाना, कस्टमर ने बताया कि अगर आपने इनकी एक टिक्की खा ली ना तो दूसरी टिक्की आप मांगोगे नहीं, इतनी हैवी टिक्की है। बाकी हम खा के एक्सपीरियंस बताते हैं। वही वाह भाई, टेस्ट भी ऑथेंटिक है, क्रिस्पी है, जो चटनी का जो इनका स्वाद है ना, जो इन्होंने बताया है खट्टी मीठी चटनी का स्वाद आ रहा है भाई, जो बढ़िया 10/9 गजब टेस्ट है। तो अगर आप इस टिक्की का
आनंद उठाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार की चटपटी गलियों में आइए और मथुरा वालों की टिक्की खाइए, वो भी हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा बेहतरीन वाला। और अगर आपका जी खराब हो रहा है तो ये टिक्की आपके जी को बेहतरीन बना देगी, बेहतरीन। तो आप हमारी इतनी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, इधर हम अपनी टिक्की का आनंद उठाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।